होगा जिस तरह ये रॉन्ग है तो डब्ल्यू साइलेंट है, नाइफ में के साइलेंट है, ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, ऑटम में एन साइलेंट है, रेस्लर में डब्ल्यू, नॉट में जो है ना के, और रैप में डब्ल्यू, लेसन में जो है ना टी साइलेंट है। फिर यहाँ पर एच के साथ आपने वो वर्ड्स लिखने हैं जिसमें एच साइलेंट हो, जिस तरह ऑनेस्ट है, गूस्ट, राइम, साइलेंट डब्ल्यू लेटर, रेस्ट, होल, हु, नाइफ, नो, नॉक, नी, साइलेंट कॉलम, कंडेम एंड डैम। फिर यहाँ पर ये पूरा जो है ना एक स्टोरी है, एक जो है ना आप इसको देख सकते हैं, इस जो है ना लेक्चर का जो है ना लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इसको पढ़ ले। फिर क्वेश्चन दिए गए हैं, सर्कल द करेक्ट मीनिंग, जाइजेंटिक मीन्स ह्यूज, अनस्टेबल मीन अनस्टेडी, डाइवर्ट मीन रीडायरेक्ट। फिर वर्ड्स लिखने हैं और पार्ट ऑफ स्पीच उसके लिखना है, जिस तरह जाइजेंटिक का पार्ट, ये जाइजेंटिक जो है ना एडजेक्टिव है, शी ओन्स ए जाइजेंटिक हाउस, डाइवर्ट है ये एक वर्ब है, पुलिस डाइवर्टेड ट्रैफिक टू ए साइड स्ट्रीट, डिमोलिश ये एक वर्ब है, द ओल्ड हाउस वॉज डिमोलिश, टम्बलिंग ये जो है ना अगेन एक वर्ब है, द स्नो इज टम्बलिंग डाउन, अनस्टेबल एडजेक्टिव है, द बुक केस इज टू अनस्टेबल टू होल्ड सो मैनी बुक्स। फिर क्वेश्चन दिए गए, हाउ मैनी पीपल डाइड इन गलतूर एंड वाई, 30 पीपल डाइड इन गलतूर बिकॉज ए जाइजेंटिक एवलंशी स्लैम्ड इन टू गलतूर, ही हाउ स्नो फ्लेक्स फॉर्म, स्नो फ्लेक्स फॉर्म वेन टिनी आइस क्रिस्टल इन क्लाउड स्टिक टूगेदर आउट ऑफ द बॉटम ऑफ द क्लाउड स्नो एंड लैंड ऑन द ग्राउंड इन ए जम्बल ट्रैपिंग एयर बिटवीन देम, वेयर एंड वेन वॉज द लार्जेस्ट स्नो फ्लेक सीन, द लार्जेस्ट स्नो फ्लेक एवर सीन फेल ऑन मोंटाना इन जनवरी 1877, विच स्टेटमेंट इन द पैसेज टेल अबाउट द डेंजरस इम्पैक्ट ऑफ एवलांची। तो ये जो है ना लास्ट सेंटेंसेस ऑफ द एवलांची का पैराग्राफ है, एवलांचीज आर एक्सट्रीमली डेंजरस, एनी वन कॉट इन द पाथ ऑफ वन हैज़ जस्ट ए 5% चांसेस सर्वाइवल। फिर री राइट द पैराग्राफ जो है ना, यहाँ पर आपने पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं, इस ये भी हमने किया है, वीडियो का लिंक जो है ना हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, बाकी आप इसको यहाँ से भी पढ़ सकते हैं कि स्नो फॉर्म ये वाला जो है ना, इसमें जहाँ पर कैपिटल लेटर है वो कैपिटल लिखना है, जहाँ पर कॉमा है वहाँ पर कॉमा, जहाँ पर फुल स्टॉप है वो फुल स्टॉप आपने यहाँ पर लिखने है। इसके बाद लेट्स मेक ए 3D स्नोफ्लेक, ये एक एक्टिविटी है, ये भी आप करके सकते हैं, होम में थोड़ी मुश्किल है लेकिन आप प्रैक्टिस करके ये जो है ना कंप्लीट कर सकते हैं। फिर चिट चैट विद एन एलियन है, डू यू थिंक एलियन एग्जिस्ट, व्हाट इफ समबडी यू कम अक्रॉस वन, ये जो है ना एलियन और आपके बारे में जो है ना चिट चैट है, डायलॉग्स है, हाय एक्स जो है ना ये यूअर नेम ईसा है और एलियन का नेम जो है ना एक्स है, हाय एक्स हाउ आर यू, कैन यू टोल्ड मी इन विच प्लेनेट यू लिव यूअर एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट प्लेनेट। तो एलेक्स कह रहा है, एक्स कह रहा है एलियन, आई एम फाइन ईसा, आई एम लिविंग इन अर्थ एंड वी हैव सेम एक्टिविटीज़ एज ह्यूमन विद सम डिफरेंसेज। ईसा कहता है ओके वेल टेल मी अबाउट यूर फ्रेंड एंड फैमिली, एक्स कहता है माई पेरेंट डाइड इन ए वार अगेंस्ट ह्यूमन साइंटिस्ट बट आई हैव टू सिस्टर एंड वन ब्रदर, आई आल्सो हैव बेस्ट फ्रेंड मैक्सी। ईसा कहता है थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन, वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज़ यूर हैबिट इन रूटीन लाइफ, एक्स कहता है नथिंग स्पेशल, वी जस्ट रूम अराउंड स्पेस टू प्रोटेक्ट अवर ब्यूटिफुल प्लेनेट स्पेस। फिर लेट्स रिवाइज एडवर्ब्स है, आपने जो है ना एडवर्ब इज़ ए वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब एडजेक्टिव आर अनदर एडवर्ब। फिर शी स्क्रीम्ड लाउडली, तो लाउडली जो है ना ये एक एडवर्ब है, यू मस्ट गो टू द बेड नाउ, नाउ एक एडवर्ब है, आउटसाइड एक एडवर्ब है, स्लोली और फास्ट ये सारे एडवर्ब है। फिर टेम्पलेट, जिस तरह नाउन और वर्ब का यहाँ पर टेम्पलेट हमने लगाया था, उसी तरह आपने यहाँ पर एक टेम्पलेट 67 नंबर पेज से काट कर यहाँ लगाना है। फिर एड टू मोर एडवर्ब्स, आपने टू मोर एडवर्ब्स यहाँ पर खाली जगहों में लिखने हैं, जिस तरह हाउ में जो है ना ईगरली एंड स्ट्रांगली, वेन के एडवर्ब्स है टुडे एंड नाउ, और वेयर के टू एडवर्ब्स यहाँ पर इनसाइड एंड हेयर। आपने एक एक एडवर्ब को सेंटेंस में लिखना है, ईगरली आई एम ईगरली वेटिंग फॉर यू, नो इट्स टू लेट नाउ, यहाँ पर नो लिखा है लेकिन ये जो है ना नाउ है, इट्स टू लेट नाउ, हेयर आई एम हेयर टू हेल्प यू।
फिर वेकिंग अप एज है इमेजिन यू वॉक अप नॉट एज यूर सेल्फ, आप इसके बारे में जो है ना आपने अपने आप को एक करेक्टर तसव्वुर करना है और उसके बारे में लिखना है, तो वो करेक्टर लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है। तो यहाँ पर हमारे केस में एक लिविंग थिंग है और करेक्टर का नाम ईगल है। वन डे व्हेन आई वेक अप आई सॉ माई सेल्फ इन ए मिरर एंड आई फाउंड आई एम नॉट ए ह्यूमन बट एन ईगल एंड आई स्टार्ट फ्लाइंग इन एयर हाई एंड टच क्लाउड्स। व्हाट डज यूअर करेक्टर ट्राई टू डू आफ्टर वेकिंग अप? आई स्टार्ट फ्लाइंग हाई इन एयर एंड हाई फ्रॉम आई अटैक on birds, fish and fox for eating, I made nest in mountain. फिर how do your character feel about what was happened? तो puzzled है। फिर what does your character feel like that? Because I love to fly in air. यहाँ पर उस character का picture बनाया, यहाँ पर हमने कोशिश करके एक eagle बनाया है। फिर होमोपोन्स है, होमोपोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिसके सेम साउंड होते हैं लेकिन डिफरेंट मीनिंग होता है, इस तरह स्टील और स्टील, डियर डियर, सोल सोल, फा एंड फाज, वीक वीक, ये सारे जो है ना होमोपोन वर्ड है, सेम जो है ना साउंड है लेकिन डिफरेंट मीनिंग है। फिर यहाँ पर आपने पिंक कलर के ज़रिए से करेक्ट होमोपोन्स जो है ना वो सर्कल करें। द ऑफुल स्मेल दैट केम फ्राम द चिकन हाउस वॉज फाउल। द साइंटिस्ट वॉज वर्किंग ऑन जीन, साइंटिस इस जीन्स पर काम नहीं करते बल्कि इस जीन पर काम करते। आई वुड लाइक टू गो टू द म्यूजियम, वुड नहीं है। फिर शी हैड ए ब्लिस्टर ऑन हर हील, ही स्किडेड बिकॉज ही डिड नॉट अप्लाई द ब्रेक, ही टोल्ड मी द टेल ऑफ ए फॉक्स, वी विल पील द ऑरेंज विद ए नाइफ। फोन्स आपने जो है ना पेज नंबर 67 से काट कर यहाँ पर पेश करने, जिस तरह मेज़ और मेज़ है, आई एम ईटिंग मेज़, आई सोल्ड एम